दीवी मैं यहाँ रक्षा करना। वैसे तो अनंत जी हमसे कुछ नहीं छुपाते, लेकिन बस उनके और शीतल जी के बीच में कुछ हुआ ना, पता तो करना होगा। कितना मजा आएगा ना जब शीतल जी और आरव यहाँ रहेंगे। मजा आएगा, खुशी क्या जरूरत थी ये सब करने की? I don't believe this. क्यों? हमें नहीं करना चाहिए था अनुप जी, हम सिर्फ उनकी मदद करना चाहते थे। I know. पर वो कुछ दिन और होटल में रह जाते तो क्या फर्क पड़ता? शीतल जी आपकी दोस्त है। खुशी, you're forgetting. शीतल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। It really doesn't matter. In fact, अब बहुत awkward हो जाएगा। I remember पहले पहले जब एनके तुम्हें बहुत अटेंशन देता था तो मैं जेलस फील करता था। How can you be that careless? अनुप जी, हम तो ऐसे ही है। बुरा लगता है ना? तुम्हें बुरा लगा ना कि आरव को शुगर है? हाँ, जब हमें पता चला कि आरव को डायबिटीज है तो हमें बहुत बुरा लगा। खैर छोड़िए, आप बताइए आपका मैच कैसा था? Really good. शीतल जी कितनी अच्छी है ना, वैसे थोड़ा कम बोलती है। आप दोनों के बीच कितना बोरिंग होता होगा ना, आप भी बोलते नहीं है, वो भी कम बोलती है। Not quite, हम बातें करते थे। अच्छा, क्या क्या बातें करते थे? मतलब जब आप दोनों साथ थे तो आप क्या क्या बातें करते थे, क्या क्या करते थे, बताइए ना। खुशी, डेट्स पे जाते थे और इधर उधर की बातें करते थे, और क्या? That's it. अब कैसे पूछे? अच्छा, तो जब आप शीतल जी को डेट पे ले जाते थे तो आप क्या करते थे? तुम्हें क्यों जानना है कि जब मैं डेट पे जाता था तो क्या करता था? नहीं, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, आप बताते तो अच्छा होता। All right. हम यूजुअली कॉलेज के बाद मिला करते थे और हम किसी रेस्टोरेंट में या क्या कॉफी शॉप में जाते थे। उसके बाद क्या खुशी? मतलब आप क्या क्या खाते थे? What's the matter with you? बताइए ना। Okay. कॉफी ऑर्डर करते थे, सम स्नैक्स, फिश एंड चिप्स, बेगल, सैंडविच। उसके बाद मैं उसे ड्रॉप करने जाता था। गाड़ी में या रिक्शा में? खुशी, स्टेट्स में रिक्शा नहीं है, हम कार में जाते थे। तो आप दोनों गाड़ी में क्या करते थे? गाड़ी में हम फुटबॉल खेलते थे। क्या? खुशी, बातें करते थे, म्यूजिक सुनते थे, और क्या? अच्छा, उसके बाद? उसके बाद मैं उसे घर ड्रॉप करता था, ओवर। उसके बाद वो अपने घर और मैं अपने घर। खुशी, व्हाट्स द मैटर विद यू? क्या पूछना चाह रही हो तुम? कुछ नहीं। व्हाई? क्या आपने कभी शीतल जी के साथ? शादी करने के बारे में सोचा है? What? हाँ, शादी, फेरे, बच्चे। नो खुशी, मैं उससे प्यार नहीं करता था। यू नो इट, तुमसे मिलने से पहले मैं शादी में बिलीव भी नहीं करता था। शीतल जी और आपने मतलब आपने और शीतल जी ने कभी कभी क्या
अकेले में? अकेले में क्या? जलेबिया? जलेबिया खाई? कितना मजा आता होगा ना? नहीं, ये काम मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। Crazy woman. हे देवी मैया, ये बीच में जलेबी कहाँ से घुसा दिया? जो पूछना था वो तो पूछा ही नहीं, लेकिन हमें कुछ भी करके सच्चाई का पता करना ही होगा। आराम से बैठकर सोचने के लिए इससे अच्छी जगह तो मिल ही नहीं सकती। पूरे घर में कहीं भी जाएंगे तो कोई ना कोई जरूर होगा। आप हमारे छोटे की तरह बात करते हैं। दोस्त भी ऐसन खा रहा है जैसन छोटे खाते माँ बाप में से अगर किसी को डायबिटीज है तो चांस है कि बच्चे को भी डायबिटीज हो सकता है। ऐसा नहीं लग रहा कि भाई के बाजू में जूनियर भाई बैठे। मैं एक सिंगल मदर हूँ। खुशी, व्हाट्स द मैटर विद यू? क्या पूछना चाह रही हो तुम? अर्नव जी से इस सब के बारे में सीधे मुंह बात करने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए उसके लिए तो हमें दो जन्म लेने पड़ेंगे। अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ भी नहीं है। दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर था, लेकिन कैसे संबंध थे ये हमें पता करना होगा। कौन है? दो मिनट चैन से सोचने तो दो। हाय। हाय। खुशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हम अलमारी साफ कर रहे थे। खुशी, इस घर में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये काम करने के पैसे मिलते हैं। जिसको मैं एक मिनट है, हो गया। ये वॉच है। हम ना रसोई साफ करके आते। नो, यहाँ बैठो। चुपचाप टीवी देखो। क्या आप कितने अच्छे हैं? काल कोठरी की तरह है जहां दूर अंधेरे कोने में एक राज है जो आपको नहीं मालूम। क्या कोई अपना आपसे यह राज छुपा रहा है? कमलेश खबरी जी, आप हर बार हमारे मन की बात कैसे जान लेते हैं? यह सवाल का वक्त नहीं है, यह वक्त है जवाब ढूंढने का। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने खास को अपने वश में कर लें? नहीं नहीं, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि शीतल जी और अर्नव जी के बीच में कैसे संबंध थे। तो खड़े हो जाओ और तैयार हो जाओ। तैयार? क्यों? हमारे कपड़े अच्छे नहीं है। तैयार हो जाओ जिंदगी की सच्चाई जानने के लिए। तैयार हो जाओ उस राज को जानने के लिए जो आपको परेशान कर रहा है। और तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कमलेश खबरी जी, अब बस आप ही का सहारा है। देवी मैया, कमलेश खबरी जी को शक्ति देना ताकि वो हमारी मदद कर सके। देखो, देखो मेरी आंखों में, देखो इसकी गहराई में झांको, क्योंकि मैं तुम्हें वशीकरण की तकनीक सिखाने जा रहा हूँ। इस तरकीब से सब कुछ बाहर आ जाता है। वशीकरण के बाद झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। वशीकरण के बाद इंसान सच बोलने लगता है। वो जिंदगी के सारे सच कबूल कर लेता है और उसके दिल से सारी बातें बाहर आ जाती हैं। वो बातें भी जो वो भूल चुका है। देखो, हमें तरीका मिल गया अर्नब जी से सच बुलवाने का।